वेलकम बैक दोस्तों। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे फ्री फायर गेम के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा वेपन यूज किया जाता है तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? वैसे तो गेम के अंदर एक से बढ़कर एक वेपन है, लेकिन एक वेपन ऐसा है जो गेम के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और उसका नाम है स्कार। मेरी बात अलग है, मेरे जैसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनके अपने अलग अलग फेवरेट होते हैं। वैसे आपका फेवरेट कौन सा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल आज की वीडियो में तो हम लोग स्कार वेपन को यूज करने वाले हैं लेवल 7 की इवो गन स्किन, और देखते हैं आज उस वेपन से हम लोग सोलो वर्सेस स्क्वाड के मैदान में कितने सारे किल्स इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला गाइस आज का वीडियो, लेट्स गो। बिना टाइम खर्च किए शुरू करते हैं हमारा आज का गेम प्ले। ये हुई ना बात, आ चुके हैं गाइस हम लोग फाइनली अपने 1v4 वाले गेम प्ले में। और आपको पता है भाई, शुरुआत में हमेशा कहाँ से करता हूँ, जी हाँ वो है पीक। लेकिन मेरे से वो लगता है कि आज यहाँ पे बहुत कम लोग कूदा, या फिर नहीं कोई स्कोर ही तो कूदा है। मुझे लगा ही था कि मैं अकेले कूदा, बट नहीं है, किसी और ने भी यहाँ पर वेपन उठा रखा है। और अच्छी बात यह है कि मुझे मिल गया है एक स्कार, और इसने शायद कोई वाली यूज कर, देखिए क्या बोलते हैं इसको, टेलीपोर्ट वाली स्किल होती है ना, सैनिटीनो पावर स्टार्टिंग में यूज कर रहा है भाई। इतना डर लगता है तो तुम लोग पीक में आते क्यों, मुझे ये समझाओ भाई। नहीं, मुझे पहले आप ये समझाओ, अगर आपको इतना डर लगता है तो हीरो बनने के लिए, हीरोगिरी दिखाने के लिए क्यों आना है आपको यार, जाके गैम्पिंग करो साइड में। फिलहाल तो गाइस हमने एक किल निकाल दिया है इस कार से, और पहला ही किल कहना पड़ेगा डायरेक्ट हेडशॉट लगा है। अब देखना यह है कि सिर्फ एक ही बंदा आया था और भी इसके टीममेट आया यहाँ पर किलों का पहाड़ खड़ा करने के लिए। फिलहाल तो गाइस इन लोगों को पता नहीं कि आज हम लोग कैसा चैलेंज करने वाले। देखो एक और उसका टीममेट आ रहा था शायद बदला लेने के लिए, लेकिन क्या हेडशॉट पड़ा उसको, सीधे 180 का हेड पहली गोली। लेकिन आखिरी गोली यार पता नहीं कि उससे कहीं और लग गई थी, क्योंकि उसने ना वो सोनिया कैरेक्टर ले रखा था तो बच गया हेडशॉट खाने से। अरे बाप रे, वाह उड़ा दे मेरे को, चढ़ा दे मेरे ऊपर गाड़ी। इसके पास हथियार वगैरह नहीं है क्या, सीधे गाड़ी चढ़ा रहा है मेरे ऊपर। इसका तो गाइस गेम बजाना पड़ेगा। एक मिनट को, आधी एचपी खा दी यार इसने मेरी। एक मिनट, अब शायद वो रस करने की सोच रहा है क्या भाई, हमको मारेगा तू हमको, M8 लेके आया शायद ये बंदा, तेरे को तो तलवार से काट डालूंगा मैं। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि IPL आ चुका है और ये अपने लिए एक फेस्टिवल जैसा है। हम सब लोग अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ CSK को, और इस IPL में तो ऑल इन जा रहा हूँ अपनी टीम के लिए, वो भी सिर्फ 1xBet के साथ, क्योंकि वो ऑफर करते हैं रियल हाईएस्ट ऑड्स और सेफेस्ट पेमेंट मोड्स। देखो ये है 1xBet प्लेटफॉर्म, यहाँ पर सारे मैचेस खेलने वाला हूँ मैं, और इस बार तो गिव अवे प्राइजेस भी क्रेजी है, जैसे 3 Nexon EV Prime XM, बहुत सारे महंगे iPhones, S23 Ultras और भी बहुत कुछ। अगर आपको जीतने के चांसेस और भी बढ़ाने हैं तो मेरा प्रोमो कोड BATCH2024 का यूज करो, क्योंकि इससे 43,000 INR तक का बोनस मिलता है। आपकी कार आपके लिए इंतजार कर रही है, तो जल्दी से QR को स्कैन करो या पिन कमेंट के लिंक पर क्लिक करो और खेलो। यूनाइटेड बाय क्रिकेट, यूनाइटेड बाय वेन। यहाँ पर 3 kills तो मेरे हो गए गाइस, साइलेंसर भी मिल गया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा प्लेयर्स हमको पीक में मिलेंगे। इस वजह से मैंने पीछे हिटलिस्ट खरीद ली थी और वो बहुत दूर है। काम करता हूँ ना, ये पास में गाड़ी है, पैदल भागने से अच्छा तो ये गाड़ी को लेते हैं। ओ वाओ, ये तो लैम्बोर्गिनी है ब्रो, मैं सोच रहा था कोई ऑटो वगैरह होगा, लेकिन नहीं यार ये तो धासु गाड़ी है। देखो मेरे बैठते ये ब्लैक लैम्बोर्गिनी में बदल गई है, और फुल स्पीड में गाइस अब हम लोग जाने वाले हैं सीधे अपने हिटलिस्ट की तरफ, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये लोग एक एयर ड्रॉप लूट रहे हैं चार्जिंग वाला। अभी बताते हैं इसको, ये लोग बहुत गलत मैप में आ चुके हैं। ये कौन फ़ोन कर रहा है भाई, एक मिनट रुक जाओ, बहुत खतरनाक मैच चल रहा है इस वक्त, बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते हैं। यहीं से काम करता हूँ, गेम बजाता हूँ उनका। नहीं भाई ये खत्म, दूसरा भी खत्म, क्या स्मूथली हेड लगा यार। मुझे ऐसा लगता ना गाइस, स्कार पे साइलेंसर लगाने के बाद ये और भी ओपी चलती है यार, दोनों को एक नंबर हेडशॉट गाइस हमने यहाँ पे मार दिया है, जिसके साथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 5 kills। अब ये हुई ना कुछ बात। वैसे सोच रहा हूँ ना गाइस कि मैं यहाँ पे अपना एयर ड्रॉप के पहले चार्ज कर लेता हूँ, भले ही हमको डबल स्कार ना मिले, लेकिन हमको चिप्स जरूर मिल सकती है जिससे हम अपनी स्कार को लेवल अप कर सकते हैं। लेवल 3 की अगर ये हो जाए तो फिर सोचो क्या खतरनाक बन जाएगी यार, अनस्टॉपेबल। वैसे ही अभी भी चल रही है लेवल 1 पे, लेकिन जब ये लेवल 3 की हो जाएगी फिर तो भाई ये इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मैं बैठ चुका हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी में, और अब चलते हैं फुल स्पीड में क्लॉक टावर की तरफ। लेकिन अरे वाह, यहाँ पर एक फ्रीक मुझे मिल गया जिसको ठोक डाला है भैया, चाहे बंदूक हो या हमारी कार चलाने का स्टाइल, निशाना हमेशा सटीक बढ़ता है। खत्म हो गया, देखो लास्ट बिछा दी उसकी झाड़ियों में। लेकिन एक मिनट,
शायद आगे से एक और बंदा आ रहा है इसका बदला लेने के लिए। ओ ये हुई ना कुछ बात, कितना प्यारा हेडशॉट लगा यार स्कोप खोल के। मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत ही कम होता है कि स्कोप खोल के रेड नंबर्स वाला हेडशॉट लगे, लेकिन आज शायद किस्मत हमारे साथ है गाइस। बहुत सारे किल्स हम लोग निकालने वाले हैं, देख के तो ऐसा ही लगता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे मेरे 7 किल्स कंप्लीट कर लिए हैं। दोबारा से जल्दी से बैठ जाता हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी में, इससे पहले कि कोई और आ जाए और हमारी लैम्बोर्गिनी को डैमेज कर दे। कोई पीछे ही हमारे को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, हमारे नाक के नीचे से कोई होशियारी करने की कोशिश कर रहा है, और इसको लगा हम इसको जाने देंगे। एक मिनट, अरे यार कोई पीछे से गाइस गोली भी मार रहा है, पहले मुझे इसको मारना पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा उसको कि ये क्या हुआ घर के। चलो गाइस इसने ऑलमोस्ट अपनी वैसे टीम रिवाइव करी दी थी, लेकिन हमने गेम बजा दिया। अब बारी है पीछे जो स्क्वाड आ रही है ना इनको निपटाने की। एक मिनट मैं थोड़ा कवर ले लेता हूँ, अपनी लैम्बोर्गिनी को बचाना चाहता हूँ सबसे पहले तो यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये मेरी कार खत्म हो जाए। सुपर फास्ट है भाई ये, अगर इसको कुछ हो गया ना तो गेम फिर मेरे लिए थोड़ा सा बोरिंग बन जाता, क्योंकि पैदल भागते रह जाता हूँ मैं। कितनी ज़्यादा गोलियाँ चला रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग मेरी कार को उड़ा दें, लेकिन इनको पता नहीं कि आज ये किसकी गाड़ी को उड़ाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल मेरे सामने है गाइस, अभी इनका गेम खोलना शुरू करते हैं। पहला निशाना लॉक्ड, ओह आउट ऑफ रेंज हो गया। एक मिनट, एक और बंदा आया, इसको नहीं छोड़ूंगा। मेरे ख्याल से ना गाइस वहाँ पे दो टीम्स की लड़ाई हो गई। देखो फटाफट से रिवाइव करने के लिए तो आया, लेकिन हमारे हाथ से कोई कैसे बच सकता है। इससे पहले कि गाइस वो लोग दोबारा से अपनी टीम को रिवाइव कर दें और मेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाए, मुझे सीधे अंधा रश करना पड़ेगा। देखो इसको भी हेडशॉट दे मारा है मैंने, और ये वाला प्लेयर देखो किसी से छिप रहा है, इसको पता नहीं कि भाई पीछे है असली महाकाल। तो ले भोकाल ढा दिया पूरी लॉबी में भैया, फ्री फायर के बादशाह बन गए गाइस इस लॉबी में। तो आज हम स्कार वेपन को यूज़ करते हुए दो टीम आपस में लड़ी थी, उनको पता ही नहीं चला कि भाई ये थर्ड पार्टी कौन कर रहा है, अकेले ही बैंड बजा दी भाई दूर से ही। अब गाइस मेरे ख्याल से दो प्लेयर्स और बचे हैं। वैसे अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि इस कार को सबसे ज़्यादा लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब से मैंने इसमें साइलेंसर लगाया है ना सीधे हेडशॉट ही पड़ रहा है अंदर को। ये देखो इसका भी खेल खत्म, सामने एक और दोस्त को बचाने के लिए आया, लेकिन इसका भी हॉट डॉग बना दिया हमने असली वाला, उसका नाम भी हॉट डॉग था गेम में, दोनों का ये हॉट डॉग सैंडविच सब कुछ बन गया। आज एक पूरी स्क्वाड गाइस हमने लपेटे में ले लिया सिर्फ और सिर्फ स्कार के बलबूते पे। बात तो है यार इस बंदूक में, अब यहाँ पर मुझे एक वैसे हॉरिजन लाइन भी मिल गया, इसका मतलब एक और चांस हम इतने आसानी से दुनिया भरेंगे गाइस। ऑलरेडी 13 किल्स हम लोग कर चुके हैं और अभी भी पूरे 25 प्लेयर्स अलाइव है, इसका मतलब 20-25 किल्स के आसपास तो आज हम लोग कर सकते हैं। अरे यार किसी ने तो गाइस हमारे ऊपर हिटलिस्ट ले लिया है बिल्कुल आसमान, ये पता वही वाली बात होगी आसमान ज़मीन पे आ गया है, क्योंकि हम लोगों को ढूंढ ढूंढ के माना करते थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश करी है गाइस। इसका तो गेम बजाना पड़ेगा, हमारे ऊपर हिटलिस्ट मारेगा तू गाइस। ये तो ख़त्म हो गया, शायद पत्थर के पीछे छिपा हुआ था ये, लेकिन मैंने इसको देख लिया था, प्यार तरीके से हमने इसको हेडशॉट मार दिया। लेकिन जिसने हमारे ऊपर गाइस बोली खरीद रखी है ना उस दुकान से, वो अभी जोन के बाहर ही है। वो देखो वहाँ पे एक कार भी है, तो मेरे ख्याल से ये शायद अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहा है और उसके बाद मेरे पास आएगा। देखो ऊपर भी कोई हॉट ड्रॉप चार्ज कर रहा है, लेकिन पहले ना मैं इसको मना चाहूँगा जिसने हमारे ऊपर हिटलिस्ट ले रखा है। वो देखो वहाँ पर है वो, लेकिन ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा यार, इसका नेटवर्क चले गया, ये डर गया या मुझे देख के, शायद वो भी इंतज़ार कर रहा है कि कब मैं यहाँ से निकल जाऊँ। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, तो भाई सामने एक और बंदा मुझे दिखा जिसकी ऑलरेडी फाइट हुई है, उसको जल्दी से मैं मान लेता हूँ क्योंकि कोई और मेरा किल चुरा सकता था। ये देखो वो कह रहा है भाई किल चोरी नहीं करता तो क्या हुआ, लूट तो कर लेता हूँ लेकिन ऐसे कैसे, हमारे सामान को हमारी आगजा के बिना कोई हाथ नहीं लगा सकता। 16 किल्स गाइस हमने कर दिए हैं, और क्या खतरनाक चली है। देखो इसको मुझे तो देख लिया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, शायद वो स्नाइपर चला रहा था, जब तक उसने मेरा हेड एम करा तब तक तो मैंने उसका गेम ही बजा दिया। 17 किल्स गाइस हमने कर दिए हैं, बंदे तो स्पॉट ही नहीं कर पा रहे हमको, जो स्पॉट भी कर रहे हैं तब तक उनका हम गेम ही बजा दे रहे हैं, हेडशॉट पड़ जा रहा है। देखो पीछे से कोई तो आया यहाँ पे बदला लेने के लिए, जो कि अब फुल फॉर्म में, मेरे ख्याल से ना ये रिवाइव होकर आया है मुझे मारने के लिए, कह रहा है भाई ये बंदे ने बहुत परेशान करा अब तो इसको मार के रहूँगा। यहाँ पर वैसे लूट के लिए तो कुछ भी नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत मुझे एमो मिल गया, ये चीज़ बढ़िया हो गई, क्योंकि एमो ना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है। देखो सामने ही भाग रहा है बंदा, शायद जोन के अंदर भागने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद मुझसे पंगा लेगा ये हिटलिस्ट वाला। देखो गाइस अब आ रहा है पीछे से, ये अब थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। देखो 133 की HP छोड़ दी इसने मेरी बस, और हिटलिस्ट वाला भी बस मेरे पीछे ही है,
मुझे तो लग रहा था कि ये इसका नया चलेगा, बट अब देखो वो रश कर रहा है हमारे ऊपर। दो दो साइड से गाइस मैं घिर चुका हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। पहले इसको ही मार दो क्योंकि ये मुझे दिख रहा है। क्या मारेगा तू मुझे? हाँ तू मारेगा मुझे। सारा ग्लो गाइस मैंने उसके चेहरे से उतार दिया। पूरी कोशिश करी वैसे उसने मुझे मारने की, लेकिन नहीं मार पाया। सिर्फ 100 का डैमेज दे पाया और पीछे से हिटलेस वाला बंदा भी आ रहा है। अब बारी है इसको मारने की। आ जा बेटा, बहुत हो गया, बहुत देर से मैं तुझको देख रहा हूँ, बहुत देर से तू जिंदा है। अब वक्त आ चुका है कि तेरा मैं गेम बजाऊँ और वापस भेजूँ लॉबी में। उसने कुछ तो स्किल यूज़ करी शायद। आजा आजा, एक बार हेड दिखा फिर तुझे बताता हूँ मैं। अरे यार ये तो डरपोक निकला गाइस। देखो भागने की कोशिश कर रहा है, दो दो बंदे हैं वो। इतने सारे हेडशॉट पे वो मरा क्यों नहीं यार? लेवल 3-4 का हेलमेट पहन के आ गया क्या वो? कोई बात नहीं गाइस, अभी थोड़ा ना उसकी रेंज दूर थी इसलिए शायद बच गया, लेकिन अब उसकी उल्टी गिनतियाँ शुरू हो चुकी क्योंकि मैंने उसको देख लिया ना। अब तो हम उसको मार के ही दम लेंगे। देखो शायद मेरी तरफ को आ रहा है वो अभी रश करने के लिए। थोड़ी हिम्मत जुटाई है उसने, उसको पता चल गया भाई मैं तो उसको भागने नहीं दूंगा। पहले उसको अपना लूट मेरे को देना ही पड़ेगा, तब ही शायद मैं उसको जाने दूँ। क्या भाई, वैसे तुम लोगों को मैंने देखा था यहाँ पे दो दो थे, तो अकेला ही है क्या? शायद इसने गाइस अपना वाला प्लेयर को भगा दिया और अपना समर्पित हो गया। उसने कहा भाई मैं मर रहा हूँ, मैं इसको संभाल लूँगा, मैं इसको रोक के रखता हूँ, तू भाग जा, तू मुझे फिर से रिवाइव कर देना। ये हुई ना बात, इसको बोलते गाइस असली दबदबा। 19 गर्ल्स हमारे हो चुके हैं और अभी हो चुका मैं फुल अनस्टॉपेबल। अब बंदे मुझे और दिखे तो मैं दोबारा से किल वगैरह करूँ। 25-26 गर्ल तो निकाले देंगे गाइस, शानदार भुइया हो जाएगी इस कार से। अब तो गाइस अगर मैं इस कार को रेटिंग करने के लिए बोलूँ, 10 वैसे मैं उसको दूंगा 7। अगर इसमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स होना तो बहुत खतरनाक चल रही है। वैसे आप लोग इस कार वेपन को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे मुझे नीचे कमेंट करके बताना। फिलहाल तो मैं पहुंच चुका हूं बीमा सकते स्ट्रिप पे और अब देखते हैं बाकी प्लेयर्स कहां पे छिपके बैठे हुए हैं। एक तो पक्का नीचे होगा जो रिवाइव करेगा। लो भाई एक और हेडशॉट पड़ गया गाइस, 20 किल्स हमने निकाल दिए हैं, अब बस 6 प्लेयर्स बचे हुए हैं। देखिए तो सही, तब मैं शुरू करूँ ना असली गेम प्ले। असली मजा तो गाइस एंडिंग जोन में ही आता है। ओके सामने है गाइस अपना बंदा, फटाफट हील कर लेता हूँ, इसका भी गेम ओवर। उल्टी गिनती शुरू कर ले दोस्त, गोली मार के गलती कर दिया। ओए ये पीछे से कौन पैदा हो गया? नहीं यार सैड भी छुक गया गाइस। कोई तो बदला लेने के लिए देखो पीछे से कूद गया पैराशूट से। थर तरीके इतना प्यारा गेम जा रहा था गाइस, लेकिन ये लोग बहुत चलाक है ना। इतनी बुरी तरह से मैंने इन लोगों को मारा, इनके अंदर ना जेलेसी हो गई होगी कैसे भी करके इसको मारते हैं। चलो कोई बात नहीं गाइस, आज की कंपनी में बहुत मजा आया। इस कार इज अ ओपी गन। आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय करी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।